वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ कॉर्ड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मपट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार पांच ऐसे काम हैं जो मनुष्य की आयु को कम करते हैं, यानी कि मनुष्य की आयु इन पांच कामों से घट जाती है। हमारे धर्मशास्त्र हमको लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र भी समझाते हैं और इसमें से एक है गरुड़ पुराण, ठीक भगवत गीता की तरह ही। गरुड़ पुराण के अंदर ऐसी कई बातों का वर्णन है जिससे हम कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए जाननी आवश्यक है। और बहुत सारे ऐसे रहस्य भी है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसमें से ऐसे पांच काम हैं जो करने पर मनुष्य की आयु कम होती है। सबसे पहला है रात को दही खाना। आयुर्वेद के अनुसार भी रात को दही खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि वैसे तो दही खाना यानी कि दही का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन रात में दही का सेवन मनुष्य की आयु को कम करता है। क्योंकि रात को हम जब भोजन करते हैं उसके बाद हम कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और हम जल्दी सो जाते हैं, इससे पेट की बीमारियां होने की संभावना रहती है और इससे जो हमारा पाचन तंत्र होता है वह बहुत ही कमजोर होता है और कमजोर पाचन तंत्र हर एक प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए रात में दही खाना गरुड़ पुराण के अनुसार वर्जित है और आयुर्वेद के अनुसार भी। दूसरा है शुष्क मांस का सेवन। शुष्क मांस यानी कि बासी मांस, बास जब जब जो मांस होता है वो कुछ समय के बाद सूखने लगता है यानी कि वो बासी होने लगता है, तो ऐसा मांस सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। वैसे तो मांस का सेवन हमारे हर एक धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन मांस जब सूखने लगता है उसके बाद उसमें सबसे खतरनाक बैक्टीरिया और जो वायरस होता है उससे वो संक्रमित होने लगता है, और अगर ऐसे मांस का सेवन मनुष्य करता है तो उसको सबसे ज्यादा और भयंकर बीमारियां होने की संभावना रहती है। ऐसे सभी वायरस सभी जो कीटाणु होते हैं वो उसके शरीर में घर कर जाते हैं, इसलिए शास्त्र के अनुसार मांस का सेवन करना भी वर्जित है। और अगर मांस का सेवन ऐसे मांस का सेवन अगर कोई करता है तो उसकी आयु कम होना निश्चित है। तीसरा है देर तक सोना। शास्त्र के अनुसार देर तक सोना भी वर्जित है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो सुबह का समय है जो ब्रह्म मुहूर्त है वो योग प्राणायाम और ईश्वर के योग ध्यान उनकी पूजा के लिए उन्होंने निर्धारित किया है। सुबह में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर के लिए साथ ही साथ हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि सुबह के समय में सबसे ज्यादा शुद्ध हवा होती है यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और अगर ऐसे समय में हम सोते रहते हैं तो हमारे शरीर को जो पूर्ति मात्रा में जो ऑक्सीजन मिलता है जो शुद्ध हवा मिलती है वो मिल नहीं पाती, और इसके कारण शरीर में बीमारियां बढ़ती है और ऐसी बीमारियां बढ़ने पर हमारी आयु भी कम होने लगती है। सुबह जो भी लोग सुबह सबसे ज्यादा सोते हैं कम देर तक मतलब सोते हैं सुबह में, उनकी आयु अगर आप देखोगे तो उनकी आयु कम ही रहती है जो सुबह रेगुलर जो आदमी सुबह देर तक सोता है, इसलिए सुबह देर तक सोना गरुड़ पुराण के अनुसार वर्जित है। उसके बाद है श्मशान के धुएं का सेवन, चौथी जो चीज है। श्मशान में लगातार शवों का अग्निदाह होता है, उसमें से कई शव ऐसे होते हैं जो पहले से ही संक्रामक यानी कि उनके शरीर में पहले से ही रोग होता है। ऐसे जो शव होते हैं वो लगातार धुएं में परिवर्तित होते रहते हैं श्मशान में, इसके कारण कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शव के साथ नष्ट हो जाते हैं और कई ऐसे रोग और बैक्टीरिया होते हैं जो धुएं में फैल जाते हैं। ऐसे रोग के ऐसे ऐसा जो धुआं होता है उसके संपर्क में जब अन्य लोग आते हैं तो उनके शरीर में वो सारे कीटाणु साथ ही साथ उनके स्किन पे यानी कि उनके चमड़ी पे भी ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, इसके कारण भी रोग यानी कि संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ती है। और इसी के कारण हमारे महापुरुषों ने श्मशान में अग्निदाह के बाद स्नान करने की परंपरा भी बनाई है। तो जहां तक हो सके श्मशान में जब भी लोग जाते हैं उसके बाद
अपने आप को उसके धुएं से बचा के रखना चाहिए, और जब भी दाह संस्कार खत्म हो उसके बाद अपने घर पे जाके स्नान वो अवश्य करना चाहिए। उसके बाद है मैथुन। सुबह मैथुन करना शास्त्र के अनुसार वर्जित है, क्योंकि मैथुन करने से ज्यादा अध्यात्मिक अधिकतर मात्रा में मैथुन करने से शरीर की शारीरिक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो शारीरिक क्षमता होती है वो लगातार कम होती जाती है। और सुबह का समय, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमारे महापुरुषों ने धर्म कार्य यानी कि योग, पूजा पाठ ऐसे कर्म के लिए निर्धारित किया है। ऐसे समय में मैथुन और अत्यधिक मैथुन मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। तो इसे ये भी एक कारण है जो मनुष्य की उम्र बहुत ही कम करता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य वो बहुत ही जरूरी है अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। तो ये पांच चीजें हैं जो गरुड़ पुराण में वर्णित है जिससे हमारी आयु कम होती है। तो धन्यवाद, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।